खबर बिहार और राजस्थान के स्कूलों से जुड़ी हुई है। बिहार में 9वीं क्लास के संस्कृत के पेपर को लेकर देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल उठाए हैं और पूछा है कि संस्कृत के पेपर में इस्लाम धर्म से जुड़े सवाल पूछे जाने का क्या मतलब है। वहीं राजस्थान के सीकर के स्कूल में प्रार्थना सभा में नज्म पाठ पर बजरंग दल समेत हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा किया है। ये देखिए किस तरह से एक तरफ बिहार, दूसरी तरफ राजस्थान, और बिहार में जिस तरह से संस्कृत के पेपर में जो सवाल यहां पर पूछे गए इस्लाम से जुड़े, इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान में भी इसी तरह का मामला देखिए सामने आया है। तो देखिए लगातार ये बवाल मचा हुआ है, बिहार से राजस्थान तक स्कूल में बवाल यहां पर देखने को मिल रहा है। बिहार में जहां 9वीं का जो संस्कृत पेपर है उसमें जो यहां पर सवाल पूछे गए हैं उसको लेकर गिरिराज सिंह ने सवाल उठाए हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो सीकर का मामला जहां पर स्कूल में हंगामा हुआ है, प्रार्थना सभा में देखिए उर्दू नज्म को लेकर यहां पर बवाल मचा हुआ है। ये दो राज्य बिहार और राजस्थान में किस तरह से यहां पर इन दो मामलों को लेकर लगातार देखिए सवाल उठाए जा रहे हैं। सीकर के स्कूल में हंगामा, हिंदी प्रार्थना की जगह उर्दू नज्म, बजरंग दल ने इसका विरोध किया है, प्रदर्शन हुआ, सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट की भी यहां पर जानकारी मिल रही है। तो गिरिराज सिंह ने क्या कुछ सोशल मीडिया पर अपनी जो आपत्ति जताई है, क्या कुछ उन्होंने लिखा है वो आपको दिखाते हैं। तो बिहार में संस्कृत का भी इस्लामीकरण हो गया। देखिए गिरिराज सिंह का यह कहना है, बिहार के सरकारी स्कूलों में संस्कृत की परीक्षा में जो सवाल यहां पर पूछे गए हैं, पूछे गए इस्लाम पर सवाल पर एक प्रश्न पत्र में ऐसे 10 सवाल, ये गिरिराज सिंह ने बात कही है, सवाल उठाया है। बिहार में संस्कृत का भी इस्लामीकरण हो गया, ये कहना है गिरिराज सिंह का। बिहार शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर स्कूलों में मासिक परीक्षाएं चल रही हैं, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 के संस्कृत के पेपर में इस्लाम से जुड़े 10 सवाल पूछे गए हैं। संस्कृत की परीक्षा कल थी और इसमें ईद से पूछा गया था, ईद के बारे में, ईद में क्या क्या पकवान बनते हैं, ईद का क्या महत्व है और इफ्तार कब खोला जाता है, ये सब पूछे गए थे। संस्कृत का पेपर सामने आते ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि बिहार में अब संस्कृत का भी इस्लामीकरण कर दिया गया है। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि संस्कृत के पाठ्यक्रम में साल 2009 से ही ईद का चैप्टर है जिसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसका प्रथम संस्करण 2009 में ही जारी हुआ था और अध्याय 10 में जो पेज नंबर 64 में है, ईद के बारे में संस्कृत भाषा में बच्चों को जानकारी दी गई है और सर्वधर्म भाव संभाव का जो भारत का उद्देश्य है उसी को मद्देनजर रखते हुए SCERT बिहार पटना ने इस चैप्टर को इंक्लूड किया था। तो वहीं राजस्थान के सीकर के एक स्कूल में प्रार्थना सभा के दौरान नज्म पढ़ाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने बंद बुलाया जिससे इलाके में तनाव जैसे हालात दिखे, क्योंकि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठन रोष जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम में से कोई भी ऐसे उठ के नहीं जाएगा। इस दौरान जय श्री राम के भी नारे लगाए गए। दरअसल सीकर के खंडेला कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान नज्म पढ़ाई जाने का आरोप है, जिसको लेकर 2 दिन पहले स्कूल में अभिभावकों ने हंगामा किया। आरोप है कि स्कूल में विरोध जताने के बाद समुदाय विशेष के असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट डाले, जिसके विरोध में हिंदू संगठनों ने खंडेला बंद का आह्वान किया। व्यापार महासंघ ने भी बंद का समर्थन करते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। हिंदू संगठनों ने इस मामले में SDM को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग भी की। तो देखा किस तरह से एक तरफ बिहार का मामला और राजस्थान में भी इसी तरह का मामला सामने आया, किस तरह से संस्कृत के पेपर में एक तरफ जो सवाल यहां पर पूछे गए हैं इस्लाम से जुड़े 10 सवाल को लेकर गिरिराज सिंह ने सवाल उठाया है कि आखिर क्या संस्कृत का इस्लामीकरण हो रहा है, इससे जुड़े जो सवाल यहां पर संस्कृत पेपर में पूछे गए इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। Z News.